अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? फाइनली रेडमी ने रिवील कर दिया है द रेडमी नोट 12 स्मार्टफोन। पाकिस्तानी मार्केट में 4G वर्जन है जिसकी प्राइस रखी है 73,000 रुपीज़। 8 GB रैम, 128 GB वाला वेरियंट किया। और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या ये स्मार्टफोन अपनी प्राइस रेंज में वर्थ करता है या नहीं करता। अगर करता है तो क्यों करता है, और अगर नहीं करता तो फिर कौन सा स्मार्टफोन बाई करना चाहिए। दिस इज द रेडमी नोट 12 4G स्मार्टफोन। फर्स्ट लुक आपके सामने, और नो डाउट स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा शानदार है। स्मार्टफोन के रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप, एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। स्मार्टफोन एक बॉक्स डिज़ाइन के साथ आते, फ्लैट एजेस दिए गए हैं। बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की, फ्रेम भी आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन 3 कलर में रिवील किया जा चुका है, ग्रे, ग्रीन और ब्लू कलर है। और ये स्मार्टफोन 7.9 mm थिक और 183 ग्राम स्मार्टफोन का वेट है, जो कि IP53 के रेटिंग के साथ भी आपको देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का जो लुक है वो इंतहाई ज़्यादा शानदार है। बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की, फ्रेम भी प्लास्टिक का है, लेकिन लुक वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बेहतर लगा है। लेकिन अगर आप अमाउंट को देखते हैं तो वो भी 73,000 रुपीज़ है। और यहाँ पर आपको एक साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया, और बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की ही है, जो कि यहाँ पर थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज़ ज़रूर किया गया है। रेडमी नोट 12 4G स्मार्टफोन में 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 120Hz के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। सेंटर पंच होल कैमरा दिया गया है, कम बेज और कम चीन दी गई है, साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया, लेकिन डिस्प्ले मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। बड़े साइज का डिस्प्ले दिया गया, 85% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और 393 PPI डेंसिटी है। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि ये स्मार्टफोन गोरिल्ला ग्लास 3 के फ्रंट प्रोटेक्शन के साथ आता है। डिस्प्ले वाइज मुझे कोई भी गिला, कोई भी शिकवा नहीं है, काफ़ी अच्छे कलर्स मिलेंगे, अच्छी विजिबिलिटी मिलेंगे, और अच्छी बात है कि प्रोटेक्शन भी आपको स्मार्टफोन डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है। रेडमी नोट 12 4G स्मार्ट में दिया गया स्नैपड्रैगन 685 का प्रोसेसर, जो कि 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बेस्ड है। और यहाँ पर आपको एड्रीनो 610 का GPU दिया गया है। ये जो स्मार्टफोन 8 GB रैम, 128 GB वाला वेरियंट और साथ में एंड्रॉइड 13 के साथ में 14 का लेटेस्ट वर्जन आपको देखने को मिल जाता है। सीधी बात अगर की जाए तो 73,000 रुपये अभी भी कम अमाउंट नहीं है, उसके बावजूद आपको स्नैपड्रैगन 685, जो कि स्नैपड्रैगन 680 ही है, बस थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गया, बाकी वही प्रोसेसर है, वही GPU आपको देखने को मिल जाता है। पावर एफिशिएंट ज़रूर है, लेकिन पावरफुल बिल्कुल भी नहीं है। 73,000 रुपये मुझे बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं लगता, क्योंकि आपको 73,000 रुपये में आपको OnePlus 8 जैसा स्मार्टफोन मिल जाता है, जो कि इतना ज़्यादा शान शान स्पेक्स के साथ आता है, उतना ज़्यादा शान शान डिज़ाइन भी लेके आता है। आलू की वो पैच है, लेकिन अब भी वो इतना ज़्यादा 100 गुना इस स्मार्टफोन से बेहतर है। बाकी आपकी अपनी सोच है, आप क्या सोचे स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में, और मेरी जो राय है वो आप पे डिपेंड करता है। रेडमी नोट 12 4G स्मार्टफोन के रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जो मेन कैमरा है 50 MP का दिया गया, f1.8 के साथ 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया और 2 MP का माइक्रो सेंसर दिया गया है, जबकि फ्रंट पर आपको 13 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया f2.5 के साथ। कैमरा से अगर बात की जाए तो आप सबको पता है कि स्नैपड्रैगन 680 कितना ज़्यादा स्ट्रगल करता है। इसकी ऑप्टिमाइजेशन कैमरा वाइज बिल्कुल भी नहीं है, और कैमरा से एक्सपेक्टेशन आप नहीं रखिए ज़्यादा तो अच्छा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप 70,000 रुपये में यूज स्मार्टफोन बाई कर लो। ये जो बॉक्स जो पिन पैक होता है वो बिल्कुल भी यहाँ पर फायदे वाली बात नहीं है। बाकी स्मार्टफोन मैक्सिमम फुल HD प्लस पे रिकॉर्डिंग का 30 FPS पे रियर कैमरा से भी और फ्रंट कैमरा से भी। तो कैमरा की रिगार्डिंग मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया स्मार्टफोन के कैमराज के बारे में। मैं आपको रिकमेंड करूँ कि यूज़ स्मार्टफोन आजकल 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग लेके आते हैं, OIS तक लेके आते हैं, इवन कि V25e भी आजकल 70-75 हज़ार में यूज़ में मिल जाता है, जो कि अच्छा भला यहाँ पर कैमरा वैसे एटलीस्ट काफ़ी बेहतर होगा इस स्मार्टफोन से। बाकी आपकी अपनी सोच है, आप इसको बाई करते हैं या नहीं। रेडमी नोट 12 4G स्मार्टफोन जो है वो 5000 mAh बैटरी के साथ आता है, साथ में 43 वाट की फास्ट चार्ज है, टाइप सी पोर्ट है, 3.5 मॉड्यूल जो कि है, और ये जो स्मार्टफोन अनफॉर्चुनेटली सिंगल स्पीकर के साथ ही आता है। रेडमी नोट 11 जो इसका प्रेडिसेसर था वो डुअल स्पीकर के साथ आता है, लेकिन ये सिंगल स्पीकर के साथ आता है, जो कि एक बार फिर से नेगेटिव पॉइंट एड कर देता है। मैं समझता हूँ कि 73,000 रुपये में स्मार्टफोन जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, और 73,000 रुपये में आपको यूज स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्पेस के साथ देखने को मिल जाते हैं। तो आपको वो स्मार्टफोन डेफिनेटली बाई करना चाहिए, और मैं कहूँगा कि OnePlus 8 की तरफ आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। अपना ख्याल रखिए, अपने पैसों समेत। अल्लाह हाफिज़।